पहले कांग्रेस कहती थी हुई राम, अब कह रहे हैं मेरे राम। मैंने ऐसा नहीं बोला, देखो मूर्ख लोगों के सिंह नजर नहीं आते। कल का हो आप सुनिए, ऐसा नहीं है। आप क्रिकेट का रंग मत बदलो। ना ना ना, आप बदलते हो। मैं किधर रंग मत बदलो। तिरंगा है ना, तिरंगा। तिरंगा क्या है? सुनो, वो तिरंगे के नीचे भारत बसता है। भारत माता को मानता नहीं कांग्रेस। उसे भारत माता कौन है पता ही नहीं है। राहुल गांधी से बताओ ना भारत माता कौन है, पप्पू को बताओ ना। कोर्ट में ले जाने वाली सोनिया गांधी कहती थी हु इज राम, राम का अस्तित्व ही नहीं है। और आज आप कांग्रेस जो के राम की बात कर रहे हो, आज आप राम की बात कर रहे हो, जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया। अरे पंडित जी मेरे सुनो, तिरंगे के नीचे भारत बसता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, कांग्रेस ने उस पर साथ नहीं दिया उनका। अरे पाकिस्तान का झंडा बसता है उनके दिल के अंदर और कुछ नहीं बसता। और सुनो, अभी एक कृष्ण की बात भी करेंगे थोड़े दिनों में, अभी सब कुछ होगा। अभी ये सब एक्सीडेंटल देशभक्त है, ये तत्काल जैसे तत्काल टिकट होती है ना, वैसे ही चुनाव के आप देशभक्त बन जाते हैं। आप क्या करने वाले हो? उस झंडे को ना तुम मिटाना चाहते हो, वो ऐसा नहीं होगा। वो उस पे भगवा झंडा करना चाहते हो, ऐसा नहीं है देश। पप्पू को बताओ ना, थोड़ा आप समझाओ ना, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो, ज्ञानी लोग हो, आप उन्हें क्यों नहीं बताते हो? थोड़ा तो सिखा दो है ना। अरे वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता कांग्रेस को, कांग्रेस को नहीं दिखता। सिखाओ ना उनको, सिखाओ ना उन्हें, समझाओ ना उन्हें, समझाओ। अरे पंडित जी मेरे सुनो, तिरंगे के नीचे भारत बसता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, कांग्रेस ने उस पर साथ नहीं दिया उनका। कांग्रेस ने साथ नहीं दिया हर घर तिरंगा पे, तो कांग्रेस साथ नहीं है और बसता है तिरंगा। अरे पाकिस्तान का झंडा बसता है उनके दिल के अंदर और कुछ नहीं बसता। सच्चाई है, आपसे वो सुनी नहीं जा रही। आप भाई की बात का जवाब नहीं दे पा रहे। आप बता, अरे अरे रंगू में राम भी नहीं है, अब आने लगा राम, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। पहले कहते थे हु इज राम, पहले कांग्रेस कहती थी हु इज राम, अब कह रहे हैं मेरे राम। राम पे जो राजनीति बोल दो पंडित जी, भारत माता की जय बोल दो। अरे भारत माता की जय तो बोलने दोगे कि नहीं? भारत माता की जय बोल दो। ये तो दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो। देखो ये कहते हैं अब श्री राम बोलने लगे, वो तो महात्मा गांधी ने बोला था रघुपति राघव राजा राम, 70 साल से बोल रहे हैं। ये तो डबल है रघु। अरे महात्मा गांधी जी को छोड़ो, अरे महात्मा गांधी जी को आप छोड़ो। अरे एक मिनट आओ पंडित जी, मैं बता रहा हूँ, मिनट रखो। महात्मा सुनो पंडित जी, महात्मा गांधी जी ने बोला, महात्मा गांधी जी को छोड़ो। कोर्ट में ले जाने वाली सोनिया गांधी कहती थी हु इज राम, राम का अस्तित्व ही नहीं है। और आज आप कांग्रेस जो के राम की बात कर रहे हो, आज आप राम की बात कर रहे हो, जब राम मंदिर बनके तैयार हो गया। कांग्रेस श्री राम जी को कोर्ट में ले जाने वाली कांग्रेस है। आज 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 कहा है, आज कहा है, आज आप कहा करते हैं हु इज राम, अभी राम की बात कर रहे हैं। और सुनो, अभी एक कृष्ण की बात भी करेंगे थोड़े दिनों में, अभी सब कुछ होगा। अभी ये सब एक्सीडेंटल देशभक्त हैं, ये तत्काल जैसे तत्काल टिकट होती है ना, वैसे ही चुनाव के आप देशभक्त बन जाते हैं, बाकी बात पाकिस्तान की करते हैं। सच्चाई है, भारत देश है, इस भारत देश में बहुत लोग रहते हैं और सब जानते हैं कि आप क्या करने वाले हो। उस झंडे को ना तुम मिटाना चाहते हो, वो ऐसा नहीं होगा। वो उस पे भगवा झंडा करना चाहते हो, ऐसा नहीं है देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझे, मेरे पास सुनो, सब कहते हो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते ना सारे है भैया। तो राहुल गांधी कहते भारत माता है कौन, पहले कहते थे राम कौन है, अब कहते भारत माता कौन है। अरे भैया मैं बताऊं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। काम गिनाइए ना, काम गिनाइए सर, काम गिनाइए। कौन सी पार्टी ने कितना काम किया, किस किस सरकार बनेगी, राम के नाम पर, तिरंगे के नाम पर, किसी जाति धर्म के नाम पर, ये कब तक चलेगा? आप ऐसे जाते हैं राहुल गांधी पार्लियामेंट से चले जाते हैं। मेरी बात सुनो, काम पे बात करिए। कौन सी पार्टी ने काम किया, क्या कौन सी पार्टी ने कितना काम किया, किस किस सरकार बनी, ये राम और तिरंगा क्या मतलब? यही मतलब सब नहीं नहीं सर, डेवलपमेंट की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए। आज भारत सुरक्षित है, भारत की आर्मी मजबूत है, भारत सुरक्षित हाथों के अंदर है, आतंकवाद हमले नहीं होते, भारत के अंदर हाईवे बन रहे हैं, भारत के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, जनधन योजना और सुकन्या योजना, इससे तो आप लाभ मिल रहा है, मुद्रा योजना, कितने स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं। भाई साहब कांग्रेस के राज में क्यों नहीं हुए और क्यों आज भारत सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा करने वाला देश है, सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, कोरोना काल के अंदर प्रोडक्शन यहाँ पे हुई, मास्क बने, पीपीई किट बनी। ये कांग्रेस ने इस चीज का हमेशा विरोध करा। आप बता रहे हो कांग्रेस के 5 काम गिना दो, मैं देखूंगा। बताओ ये जो बता रहे हो ना चुटकुले, ये कहाँ का पैसा लगा हुआ है? इस जो विकास हो रहा है, इस किस देश का पैसा है आप बताएंगे जरा? इस देश का पैसा है, कहीं अमेरिका ने नहीं दिया? और वो पैसा कहाँ का निकला हुआ है? अरे सुन तो लो, वो पैसा कहाँ से निकला? क्या था ये बात, सही कह रहे हैं। पहले ये सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता था, जीजा जी की जेब में जाता था, अब वहां नहीं जाता।
अब वहाँ नहीं जाता, अब होता है देश के विकास में। भाई साहब बहुत सही कह रहे हैं, और आज के टाइम में अपने आपको कांग्रेस से कहना बहुत बड़ी बात है।